हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ खान सर फ्रॉम एमएन इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे चैप्टर वन का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन वन कराया था, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है क्वेश्चन में कि फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एससीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। यानी कि हमें क्या निकालना है, इसमें हमें सबसे पहले एस सी एफ निकालना है, फिर एल सी एम निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने एल सी एम और एस सी एफ निकाला है क्या वो सही है या गलत है, और साथ ही हम उसको चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। तो करेंगे कैसे, आपको वेरीफाई के लिए देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ इसी के अंदर। एल सी एम एस सी एफ इज इक्वल होता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। टू इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो आपको ये नंबर दिए हैं 26 एंड 91 फर्स्ट पार्ट में, इसका सेकंड पार्ट में 510 एंड 92 एंड थर्ड पार्ट में 336 एंड 54। ये तीन पार्ट दिए हुए हैं, तो ये दो आपके ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये दो दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला हम सॉल्यूशन लेते हैं, पार्ट वन लेते हैं। अब आपको लिया है 26 एंड 91, तो सबसे पहले हम 26 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे, एलसीएम आप लेते हैं ना इस तरह से, 26 का करेंगे 2, 1, 3 और ये 13 इक्वल टू 1, तो इन्हें आपने फैक्टर किया, लिया 2 इंटू में 13, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंटू में 13। इस तरह से 91 का लेंगे तो आएगा 7 इंटू 13, आएगा क्या आएगा आपका 7 इंटू 13। तो एस सी एफ मतलब होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में ज्यादा ज्यादा कॉमन हो, तो दोनों में ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है 13, तो हमारा एस सी एफ 26, 91 का क्या हो गया 13 हो गया। अब हम बात करेंगे एल सी एम का, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें एलसीएम क्या है 26 और 91 का जो बच जाता है, यानी कि ये जो दो कॉमन था ये भी इसमें आएगा, यानी कि ये भी मिलेगा और प्लस ये जो दो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो भी, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ 2 इंटू में 7 इंटू में 13, तो आप हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 182 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई में क्या दिया है आपको, ऊपर में फॉर्मूला दिया हुआ था इन्होंने, एस सी एफ इंटू में एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स टू नंबर्स। ठीक है, तो एस सी एफ कितना 13, एल सी एम कितना 182 इज इक्वल टू ये कितना है 26 एंड 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास 2366 आएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 2366 आएगा। तो जब दोनों के आंसर बिल्कुल इक्वल आए, इसका मतलब आपने जो एस सी एफ और एल सी एम निकाला है वो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं आपको क्या निकालना है, इसमें आपको सॉल्व करना है कि फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इसमें भी हमें निकालना है एससीएफ ऑफ एलसीएम, बट हमें किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जो हमने यहां पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में किया था ना, फैक्टर किए थे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ करके देखते हैं, तो गिवन नंबर्स क्या दिए हमें 12, 15 एंड 21, तो आपने 12 का फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 5 इंटू 3 और 21 7 इंटू 3, तो आप एस सी एफ क्या बात करेंगे तीनों की, तो तीनों में आपको क्या दिख रहा है कॉमन 3, तो 3 क्या हो गया आपके पास एस सी एफ। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या दिया हुआ है, जो दोनों में कॉमन है एक तो आप उतारेंगे, मतलब जो तीनों के अंदर एक आपका कॉमन था ना वो उतार लेंगे, प्लस ये जो दो बचे हैं वो भी आप उतारेंगे, ये 5 एक्स्ट्रा है वो भी उतारेंगे और जो 7 एक्स्ट्रा है वो भी उतारेंगे, यानी कि जो कॉमन होता है तीनों में, अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं तो तीनों में कॉमन देखेंगे, अगर आपके पास 2 हैं तो दोनों में कॉमन देखेंगे, अगर यहाँ पे 4 है तो हम 4 में कॉमन देखेंगे, तो जो 4 में कॉमन होता है वो आपका एस सी एफ होता है, चाहे एक डिजिट हो चाहे इसके अलावा और भी कोई डिजिट जो कॉमन होते हैं सब में, वो भी हम ले लेंगे आप। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो सबसे कॉमन होता है, जो सभी में कॉमन हो वो एक उतारते हैं, उसके अलावा जितने भी डिजिट बच जाते हैं वो सारे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारा मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपके पास 420, यानी 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 67 आपके पास 420 आ गया। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, तो गिवन नंबर्स क्या है आपके पास 17, 23 एंड 29, तो आपने 17 का फैक्टर किया, तो 17 का फैक्टर तो कोई होता ही नहीं है, तो 17 सिर्फ खुद से जाता है ये, तो 17 वन जो 17, लाइक उसी तरह से 23 भी होता है,
23 इंटू में 1, उसी तरह से 29 भी होता है 29 इंटू में 1। तो आप देख सकते हैं तीनों के अंदर जो कॉमन है सिर्फ 1 है। तो इसका एलसीएफ क्या होगा, एलसीएफ आपके पास आएगा इसका 1, और एलसीएम जो कि मैंने बताया था जो कॉमन होता है तो 1 तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है इज इक्वल टू 1। जो ये तीनों बचे हैं आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11339। तो ये आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएन इंस्टीट्यूट सागरपुर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएन इंस्टीट्यूट।